आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आ गए हैं फिर से एक बेहतरीन आपके लिए शॉर्ट वीडियो के साथ। जैसे लास्ट शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाई गई थी कि आपको रीजन बताया गया था एक पॉइंट का कि मेरे भाई क्यों लीप ईयर में जनवरी फरवरी में घटाते हैं, तो बच्चों के कमेंट्स को देख करके जो मैंने कहा था कि बेटा आप कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो आप किस पे लेना चाहते हैं, तो बच्चों ने जो कमेंट्स किए कि सर क्लॉक घड़ी वाले टॉपिक की शॉर्ट वीडियो लेकर के आइए प्यारे बच्चों, तो आपके लिए क्लॉक घड़ी की शॉर्ट वीडियो लेकर के आए। बेहतरीन बातें आज आपको इस शॉर्ट वीडियो में सिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं नितिन दी आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। जी हां, मैं कलम से क्रांति। सेशन के लास्ट तक जुड़े रहिएगा बेटा, वीडियो छोटी रहेगी लेकिन ज्ञान इसमें बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है। तो हम चर्चा करेंगे आज क्लॉक वाले टॉपिक पे, और क्लॉक टॉपिक का एक छोटा सा प्यारा सा हिस्सा हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, क्या कि अगर किसी भी समय पर आपको कोण निकालना है दोनों सुइयों के बीच, किसी भी समय पर, कोई भी समय इसको आपने आपको दे रखा है इसने, किसी भी समय पर आपको क्या बताना है दोनों सुइयों में कोण ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे प्यारे बाल को, आप सीधा उसमें अपना तरीका अपनाएंगे, ट्रिक कह लीजिए या फिर आप अपना मेथड कह लीजिए, वो रहेगा 30H बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार 11/2 M। अब आप कहेंगे सर ये अंबुजा सीमेंट की दीवार का अर्थ क्या है, बताएंगे, रुके रहिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल आप कहेंगे सर एच का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बाल को, आवर्स हो जाएंगे घंटे, और एम का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा। याद क्लियर है, बड़ी बढ़िया बात है। आइए कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करते, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हर जगह छोटा सा तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। आप लोग कहेंगे सर कैसे, जैसे आपसे पूछा 3:40 पर कौन बताओ, तो आप सीधा कहोगे सर 30H आर्स, घंटे कितने दे रखे, 3 वैल्यू पुट करी बीच में दीवार, 11/2 M मिनट, मिनट कितने दे रखे हैं 40, दैट्स इट। अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, आप कहेंगे सर ये 2×20 पे जाएगा 40, सर 30×3 यहां पर प्यारे बच्चों 90 आ जाएगा, 11×20 कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। इस अंबुजा सीमेंट की दीवार का अर्थ है बेटा कि अगर इधर वैल्यू बड़ी हो तो इसको घटा दो, अगर इधर वैल्यू बड़ी हो तो इसको घटा दो, मतलब बस दोनों का अंतर लेना है। आप कहेंगे इन दोनों का अंतर लेंगे प्यारे बाल को तो कितना आ जाएगा 130, बस 130 डिग्री ही आपका क्या है आंसर है। एकदम सिंपल सा तरीका प्यारे बच्चों आपको सिखाया, किसी भी दिए गए टाइम पर वक्त पे अगर आपसे कौन पूछ लिया जाए सिंपल ये तरीका अपना दो, हर जगह लगेगा। अब आप कहेंगे सर थोड़े और क्वेश्चन हो जाए, आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 6:10 दे रहा है सॉल्यूशन में, आप प्यारे बच्चे तुरंत क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 30H 30×H घंटे कितने दे रखे हैं 6, आप कहेंगे सर यहां पर लिखेंगे 11/2 M मिनट, मिनट प्यारे बाल को कितनी है 10, करेंगे आप आगे सोल्व, आप कहेंगे गुरु जी यहां से आएगा 2×5 10, यहां कितना आ गया 30×6 180, यहां आप कहेंगे प्यारे बाल को 11×5 कितना है 55, बस इन दोनों का क्या लेना, उत्तर लेना 180 में से पहले अकेला 50 घटाओ 130 बचेगा, 5 और घटा दो कितना बच जाएगा प्यारे बाल को 125 डिग्री आपका उत्तर बच जाएगा, दैट्स इट, कर लेंगे। बहुत इजी मेथड बेटा आपको बताया जो हर जगह हर समय पे लागू होगा। तो बेशक ये शॉर्ट वीडियो है, मैं जानता हूं आप देखेंगे इसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन देकर के आपको समय दूं। आप शॉर्ट वीडियो तो देख ही रहे हैं, आपके पास 30 सेकंड का समय लीजिए, सामने जो क्वेश्चन है बेटा इसको सोल्व करके दिखाइए, 30 सेकंड आपके पास, शाबाश, और कमेंट करके बताएंगे सभी साथ इसका उत्तर क्या आ रहा है 2:50 का, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आपको और मिले शॉर्ट बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स के साथ सारे टॉपिक्स की, तो बेटा लाइक जरूर किया करो वीडियो को, और नीचे कमेंट करके बताया करो कि आगे आप किस टॉपिक की और ऐसी शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आए देखे और भाग गए, आपकी ही काम की है ये, आएंगे आप, आपके यहां पर 30 सेकंड बेटा कंप्लीट हो चुकी है। आप कहेंगे सर 30×H आर्स घंटे कितने दे रखे हैं 2 लिख देंगे, 11/2 M मिनट लिखनी है हमें, मिनट कितने दे रखी है 50 50 लिख देंगे, कैलकुलेट करेंगे हम सीधा कहेंगे देखो भैया 2×25 पे जाएगा 50, तो 25×10 250 एक बार और 25 आएगा तो ये 275 हो जाएगा। यहां पर आप कहेंगे 30×2 कितना होगा 60, अब की बार बेटा ये वैल्यू बढ़िया है तो इसमें से घटा देंगे, अंतर लेना बस, 275 में से 60 घटाओगे प्यारे वाल को कितना आ जाएगा 215 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कर लेंगे सभी साथी, है ना। आइए एक और सवाल देख लेते हैं, ये सवाल यो है जो आपका यूपीपी 2024 में आया था, कॉन्स्टेबल वाली है, जो दोबारा आपका री एग्जाम हुआ ना, इसमें कैसे सोल्व करेंगे आप। अब बच्चे यहां पे घबरा जाते हैं, पीछे जो मिनट है इसको विषम संख्या में देख के, घबराना नहीं है, तरीका वही है। आप कहेंगे 30×H घंटे कितने दे रखे हैं 7, प्यारे बच्चों 11/2 M मिनट, मिनट आपको कितनी दी गई यहां पर 25, आपने यू क्या लिखा, कैलकुलेट करो, डरना क्या है।
आपको कि सर 30 गुना 7 तो 210 आएगा, यहां आएंगे हम तो 25 गुना 11 करेंगे पहले 275 बटे कितना आ गया 2। अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में लेके चल सकते हैं। आप कहेंगे देखो गुरुजी 2 एकम 2 कटा, फिर 2 तिया 6, एक बचा कितना हो गया बेटा यहां पे 15, 2 × 7 = 14, 137.5 आया। अब आप कहेंगे इनका अंतर जल्दी से कैसे लू गुरु जी, तो बेटा 37 मान लो या इसको 38 मान लो, 38 ले लो, 38 से जब आप चलेंगे 138 से कहां चलेंगे प्यारे बाल को 200 तक, तो आपका कितना बनेगा 62, और ये तो 137.5 था मतलब 5 और जुड़ेगा पॉइंट का, 62.5 आ गया, आगे 10 हो रहे 200 से, तो 62.5 और 10 जोड़ोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 72.5 आ जाएगा, बात खत्म। ये तरीका अपना लोगे आप, ठीक है। तो वीडियो छोटी रखेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, एक और जानदार शानदार सुपर ट्रिक सीख लो जाते जाते। लेकिन जब सवाल प्यारे बाल को आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाए कि आप अनुभव करें, देखें कि गुरुजी जो मिनट यहां पर दी गई है 5:25 का वक्त है, वो हमारे घंटों की कितने गुना प्यारे बाल को 5 गुना है, तो फिर आपको ये जो सीधी ट्रिक सिखाई है ना, इसको लगाने की भी जरूरत नहीं बेटा। सॉल्यूशन में आप सीधा क्या कर दो, जब कभी ये मिनट आपकी टोटल जो दे रखी है ये घंटों की 5 गुना हो, तो आप अपने आंसर में बस जो इसने मिनट दी उसका आधा करके लिख दो, 25 का आधा कितना आ जाएगा 12.5 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। जो आपको तरीका बताया 30H 11/2 उससे निकालोगे तब भी 12.5 ही आएगा। इसी प्यारी शॉर्ट वीडियो के साथ मैं आपका अपना नितिन दिया लेता हूं अलविदा, आपसे फिर मिलेंगे फिर बेहतरीन एक शॉर्ट वीडियो के साथ। लाइक जरूर करके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला किस टॉपिक की आप या किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस की आप बेहतरीन शॉर्ट वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।